हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आप सभी के प्यार और सपोर्ट की वजह से हमने यूट्यूब का फर्स्ट माइलस्टोन कवर कर लिया है। और ये पिछले ब्लॉग्स में हमने आपको दिखाया था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी। तो आगे भी बने रहिए इसी तरह हमारे साथ फ्रेंड्स। तो दोस्तों, आज का ब्लॉग बहुत ही मस्त होने वाला है आप सबके लिए। जिस तरह मूवी इंटरमिशन बाद में होता है, तो इसी तरह ब्लॉग में भी इंटरमिशन बाद में ही होगा। तो तब तक के लिए ये देखिए कुछ जो पल हैं इंजॉयमेंट के, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये देखिए फुल इंजॉय हो रहा है। और फ्रेंड्स, ये जगह है जनित्री धार और काफ़ी फेमस जगह है ये। और नेचर देखिए यहाँ का, कितनी हरी भरी वादियाँ हैं, पहाड़ियाँ देखिए कितनी सुंदर है, आप खुद महसूस कर रहे होंगे। इन अद्भुत पहाड़ों के बीचों बीच से बहती हुई ये नदी देखिए कितनी सुंदर लग रही है। और ये फ्रेंड्स काफल फ्रूट होता है, उसके पेड़ हैं, ये है काफल फ्रूट। तो ये उस टाइम के मोमेंट हैं जब ये हम काफल फ्रूट फर्स्ट टाइम लाने गए थे। और ये कुछ यादगार लम्हे हैं, इनका ब्लॉग में आगे फ्यूचर में आपको दिखाऊंगा। तो दोस्तों, आप देख रहे होंगे कि लकड़ी से बनी हुई कितनी सुंदर इमारत है, लेकिन ये इमारत नहीं फ्रेंड्स, ये प्रासर लेक और प्रासर मंदिर है, डिस्ट्रिक्ट मंडी में है ये। अगर आपको ये क्लिप देखना होगा तो मेरी बहन वंदना ने बनाया हुआ है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा फ्रेंड्स। तो ये देखिए अल्टीमेट ही है फ्रेंड्स। तो मैं आपको यही बोल सकता हूँ कि जब भी आप हिमाचल आए तो मंडी में प्रासर झील यहाँ पे जरूर विजिट करें, बहुत ही सुंदर है फ्रेंड्स ये, आप देख सकते हो। तो दोस्तों, ब्लॉग्स को बिना स्किप किए हुए देखते रहिए। ये तो अभी ट्रेलर है, इंटरमिशन अभी बाकी है फ्रेंड्स आगे ब्लॉग में, जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था। और फ्रेंड्स, ये जो आप जगह देख रहे हो ये है कांडा पतन, इसको मिनी हरिद्वार भी कहते हैं। और कहा जाता है कि जब हरिद्वार बन रहा था तो सबसे पहले यहीं पे बन रहा था, लेकिन बाद में वो हरिद्वार में ही बना जो उत्तराखंड में है। बाकी फ्रेंड्स, कितनी प्यारी जगह है, बहुत ही सुंदर है और ये बहुत ही ब्यूटीफुल और पवित्र जगह है। बाकी यहाँ पे एक शिव का मंदिर है, काफ़ी बड़ा मंदिर है। तो जैसा हरिद्वार में है बिल्कुल वैसे ही बन रहा था ये, और वैसी वैसी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएगी। यहाँ पे झूला भी है, वो मैं आपको दिखा दूँगा आज भी आगे। तो कितना प्यारा है देखिए, हरी भरी पहाड़ियाँ देखिए। और देखिए यहाँ पे किश्ती जा रही है, देखिए यहाँ से सामने आपने जाना हो तो किश्ती की हेल्प से ही जाना पड़ता है फ्रेंड्स। पहाड़ियाँ देखिए कितनी प्यारी है दोस्तों, बहुत ही अल्टीमेट जगह है। बाकी आप खुद भी देख सकते हो, देख रहे हो फ्रेंड्स, कितनी प्यारी जगह है ये मिनी हरिद्वार कांडा पतन। ये धर्मपुर के नज़दीक ही है, 10 किलोमीटर आगे धर्मपुर से, डिस्ट्रिक्ट मंडी में पड़ता है। और ये वो मंदिर है जो मैं आपको बता रहा था, भोलेनाथ का मंदिर है ये। देखो कितना पीस और कामफुल एरिया है ये फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, मैं तो यही कहूँगा कि अपनी भाग दौड़ भरी जिंदगी से कुछ पल हमें ऐसी जगहों पे भी बिताने चाहिए, और हमें ज़रूर ट्रैवल करना चाहिए इतनी प्यारी प्यारी जगहों को। और ये फ्रेंड्स देखिए झूला उसी तरह लग रहा है जैसे उत्तराखंड में लक्ष्मण झूला है। तो तभी मैं आपको बता रहा था कि ये एकदम हरिद्वार की तरह बन रहा था यहाँ पे पहले फ्रेंड्स। कितनी प्यारी जगह है ये, एकदम अल्टीमेट जगह है ये प्यारे दोस्तों। शिमला में जगह है पंथा घाटी, वहाँ पे ये फेमस पासपोर्ट ऑफिस है। पूरे हिमाचल के पासपोर्ट यहीं पे बनते थे पहले, अब जैसे रूल एंड रेगुलेशन हो गया है, क्या पता अब डिस्ट्रिक्ट वाइज भी बनते होंगे, लेकिन पहले पूरे हिमाचल के पासपोर्ट
दोस्तों यहीं पे बनते थे, यहीं से इशू होते थे, यहीं से रिन्यू होते थे। तो कितनी प्यारी जगह है ये, और एकदम ही अल्टीमेट नज़ारा है ये, बहुत ही सुंदर। और फ्रेंड्स देखिए कितनी भव्य बिल्डिंगें यहाँ पे है, बहुत ही अल्टीमेट। पहाड़ों पे देखिए इतनी ऊंची ऊंची इमारतें बनाई हुई है, आप देख सकते हो खुद ही, और कितना ब्यूटीफुल नेचर है यहाँ का। यहाँ पे इतनी प्यारी प्यारी जगहें हैं कि मैं जैसे कैप्चर करता हूँ वैसे ही एज इट इज़ आपके साथ शेयर करता हूँ। ज़्यादा एडिटिंग फ्रेंड्स मैं करता नहीं, जो कैप्चर किया होता है उसको एज इट इज़ ही रखता हूँ आपके लिए। तो फ्रेंड्स ये आप देख सकते हो कितनी ब्यूटीफुल जगह है, बैकग्राउंड देखिए। तो दोस्तों ये था इंटरमिशन आपके लिए, हम आज ज़्यादा घूम नहीं सके कहीं पे, तो एक पार्क में गए थे हम, वो काफ़ी फेमस है यहाँ पे कसुमती में, रानी पार्क के नाम से फेमस है। तो ये रास्ता है फ्रेंड्स वहाँ जाने के लिए, और ये कॉलोनी है, बहुत ही अच्छी कॉलोनी है ये फ्रेंड्स, आप देख रहे होंगे। और ये फ्रेंड्स पहुँच ही गए हैं हम पार्क में, और बाकी पार्क को बाद में दिखाते हैं, इसके साथ में जो सराउंडिंग्स हैं वो मैं आपके लिए कैप्चर कर लेता हूं पहले। तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स, तो यहां से स्टार्ट होता है दोस्तों पार्क, और ये मेन गेट है इसका, उसके अंदर को हम गए। और फ्रेंड्स आप देख रहे होंगे कि कैसे इंजॉय हो रहा है यहाँ पे, और बहुत ही प्यारा पार्क है फ्रेंड्स, ये बहुत ही अल्टीमेट जगह है ये। और यहाँ से जो इसके सराउंडिंग्स हैं वो भी मैं आपके लिए कैप्चर किया हूँ, तो आप देखते रहिए। ये हिमुडा कॉलोनी है फ्रेंड्स, नीचे को आप देख सकते हो फ्रेंड्स, यहाँ पे बोर्ड भी है इसका। को आपके लिए कैप्चर कर रहा हूं, तो आप बिना स्किप किए हुए वीडियो को देखते रहिए फ्रेंड्स। और बहुत ही सुंदर पार्क है ये, मेरे को तो बहुत ही मज़ा आया यहां पे घूम फिर के, बहुत ही अल्टीमेट पार्क है फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छा है टाइम बिताने के लिए। जब भी आप शाम के टाइम यहां पे आ जाइए या मॉर्निंग के टाइम पे। और ये जाखू हिल्स का व्यू है, हमने आपको पिछले ब्लॉग्स में जाखू को मंदिर को दिखाया था। पार्क के राइट हैंड साइड को नीचे को देखिए बसंत बिहार कॉलोनी पड़ती है, वो भी मैंने आपके लिए कैप्चर की है, कितनी सुंदर लग रही है देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही अल्टीमेट, कितना प्यारा नज़ारा है देखिए। तो दोस्तों आप भी बोल रहे होंगे कि क्या यार आज पार्क दिखाया जा रहा है हमें, लेकिन फ्रेंड्स सॉरी टू से आज मैं कहीं ट्रेवल नहीं कर पाया, तो बाकी मैं अपना वीडियो मिस नहीं करना चाहता था, क्योंकि आप सभी ने इतना प्यार दिया है फ्रेंड्स हमारे को, तो आज मैं आपके लिए यही दिखा सका। बाकी अच्छा पार्क है देखिए, एक नंबर देखिए। दोस्तों मैं आप सभी का एक बार फिर से धन्यवाद करना चाहूँगा, आप लोगों ने सच्ची में हमारे को बहुत सपोर्ट किया है, मैं आपके कमेंट भी पढ़ता हूँ, बहुत ही सपोर्ट कर रहे हैं आप और बहुत प्यार दे रहे हैं दोस्तों। और ये मैं आपको पार्क दिखा रहा हूँ चारों तरफ से, तो ब्लॉग्स को देखते रहिए फ्रेंड्स,
इसी तरह प्यार देते रहिए और हमारे साथ बने रहिएगा फ्रेंड्स। तो पार्क बहुत हो गया फ्रेंड्स, अब आपको आसमान की तरफ ले चलते हैं और बहुत ही ब्यूटीफुल नज़ारा है देखिए। और इस बादल को देखिए फ्रेंड्स, कितने धीरे धीरे ये चल रहा है, ये आप वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा और इस बादल की तरफ देखिएगा, देखिए कितने प्यार से आगे बढ़ रहा है ये। और बहुत ही सुंदर लगा मेरे को ये नज़ारा, मैंने आपके लिए कैप्चर कर लिया ये और आप खुद देख सकते हो फ्रेंड्स कितना प्यारा लग रहा है ये नज़ारा। धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए इस बादल ने इस देवदार के पेड़ को भी कब क्रॉस कर लिया ये आप खुद ही देख सकते हो फ्रेंड्स, देखिए कितने धीरे धीरे बढ़ रहा है ये। बाकी जो भी फ्रेंड्स मेरे को यहाँ पे कैप्चर करने के लिए दिखाई देता है, प्यारी सी जगह, प्यारा सा नज़ारा, मैं आपके लिए उसको तुरंत कैप्चर कर लेता हूँ। तो आप देख रहे होंगे फ्रेंड्स। और दोस्तों पार्क के साथ में जो कॉलोनी के घर बने हुए हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, कितने सुंदर लग रहे हैं ये घर, देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। बहुत ही मुझे तो बहुत इन्जॉय करने को मिला यहाँ पे। और फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे क्रिकेट भी खेला, मेरे को बहुत मज़ा आया, काफ़ी टाइम के बाद क्रिकेट खेला मैंने दोस्तों यहाँ पे, तो आप देख सकते हो। और अब टाइम हो गया है पार्क से आउट करने का, तो अब मैं जा रहा हूँ अपने रूम की तरफ। और ये देखिए आप बोर्ड पढ़ सकते हो, ये आगे परिमहल के लिए है और ये रानी ग्राउंड यहीं पे था। तो मैं वापस जा रहा हूँ फ्रेंड्स, जिस रास्ते से मैं आया था ये वही रास्ता है, आप देख सकते हो। तो दोस्तों जिस तरह से आपने हमको प्यार दिया, तो हम प्लान कर रहे हैं कुछ नई जगह पे जाने का, तो इसी तरह हमें प्यार देते रहिएगा, इससे हम मोटिवेट हो रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग्स में।